कैसे हो आप सब। मैं हूं सार्थक और मैं आपका टेक गूफर पे बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। तो गाइस, मैंने देखा है कि लोग काली लिनक्स विंडोज में इंस्टॉल नहीं कर पाते, तो गाइस मैं इसके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूं। आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ये सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। तो दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर पे आ गए हैं और आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा वर्चुअल बॉक्स का सेटअप। तो इस वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका वर्चुअल बॉक्स प्लेटफॉर्म है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम लोग विंडोज़ में इंस्टॉल कर रहे हैं। मैं विंडोज़ होस्ट पर क्लिक कर देता हूँ और स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि हमारा वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो चुका है, अब मैं आपको काले लिनक्स डाउनलोड करना बता देता हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने जैसा कि बताया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकती हैं। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे कैंसिल कर दूँगा और चलते हैं हम अपने अब डाउनलोड्स में। तो सबसे पहले हमें वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉल करने के लिए आप डायरेक्ट ओपन कर दीजिए। एक नॉर्मल से इंस्टॉलेशन होगी जो कि आप किसी भी ऐप में इंस्टॉल करते हैं। तो नेक्स्ट 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 एंड यस इंस्टॉल। तो ये हमारे परमिशन मांग रहे हैं, मैं यस कर देता हूँ। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है, तब तक के लिए ओके। तो हमसे नेटवर्क परमिशंस मांगी गई है कि हम अपना USB का जो प्लेटफॉर्म है वो इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं। तो मैंने यस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे स्टार्ट ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और हम अपना जो OVA फाइल है जो कि हमने डाउनलोड किया था वो ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपने प्री डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही है, हमारे सामने अपना सारा कॉन्फ़िगरेशन लेके आया। तो हमारे पास जो रैम है वो 8 GB है, तो हम इसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मॉल एंड PC है तो आप इसे 1024 GB रैम भी दे सकते हैं, MB भी रैम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे जाइए रैम में और 1024 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2048 ही रहने दूंगा। बाकी सब आप प्री डिफ़ॉल्ट छोड़ दें। अगर आपको कुछ और चेंज करना है तो आप कर सकते हैं लाइक स्टोरेज, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट ही छोड़ें। इंपोर्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे इसने बोला है कि इसे एक लाइसेंस एग्रीमेंट चाहिए, तो हम एग्री पे क्लिक कर देंगे। अब जैसा कि ये इंपोर्ट स्टार्ट हो गया है तो ये कुछ टाइम ले सकता है, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को स्किप कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा काली लिनक्स इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें सबसे पहले इसके बाद जो करना है वो हमें एक फाइल डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एज खोल लेता हूँ। अब यहाँ पे हमें जो सबसे पहला काम करना है वो हमारा सर्च मारना है virtualbox.org ओके, एंड ये हमारा ओपन कर देगा इसका वेबसाइट। देन हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आपको आएगा वो यहाँ पे एक्सटेंशन पैक आएगा। अब आपको ये इंस्टॉल करना है तो हम ऑल सपोर्टेड प्लेटफॉर्म पर क्लिक कर देते हैं और ये हमारा 10.5 MB की फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। एंड ये हमारा डाउनलोड हो गया है एंड हम इसे डायरेक्ट ओपन फाइल पर क्लिक कर देते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं। तो इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं एंड ये हमारा इंस्टॉल होने लगेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे साफ साफ लिखा आ गया है कि हमारा जो एक्सटेंशन पैक है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं।
तो हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर दबा देते हैं और ये हमारा फुल स्क्रीन में आ जाएगा कुछ देर में, क्योंकि हमने एक्सटेंशन पैक जो है वो इंस्टॉल की थी। हम सबसे पहले इसके व्यू में जाएंगे और फिर फुल स्क्रीन मोड पे स्विच करेंगे। अब ये हमें बताता है कि जब आप फुल स्क्रीन में जाते हैं तो आप जो विंडो मोड है उस पे होस्ट मतलब आप कंट्रोल प्लस एफ दबा के आ सकते हैं, और होस्ट की राइट कंट्रोल के नाम से डिफाइन होता है, तो यही हमें ये बता रहा है। तो हम स्विच पे क्लिक कर लेते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी काली लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ और मैं अभी वर्चुअल बॉक्स में हूँ। तो हम अपना लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लॉगिन कर चुके हैं। तो ये इतना ही सिंपल है जितना आप सोच सकते हैं। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।